Yes, students, this chapter, working of institution, in which we have discussed about the different organs, the working of different organs of the government, like legislature, then executive, then we have discussed judiciary. Clear? And now, first of all, in your book, there is a example of ऑफिस मेमोरेंडम, ये आपकी बुक में ना एक एग्जाम्पल है, दैट इज ऑफिस मेमोरेंडम. इसकी अलग अलग डेट्स हैं, ठीक है. ये डेट्स क्या शो करती हैं, यानी कि अर्लियर मेमोरेंडम पास्ड बाय द गवर्नमेंट एंड व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड प्रॉब्लम्स वर यू कैन से डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स वर इन द सोसाइटी एट दैट टाइम एंड मैनी पीपल दे अपोज दिस पॉलिसी. And after that, second memorandum jo hai, that is modification by judiciary, Supreme Court. And through this example, we will see how the different organs come into contact while framing any law, while implementing any policy, and while checking the government is doing right or wrong. ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले जो हमने example है, that is the case, the name of the case is Indira Sahni versus Union of India case. ठीक है? अब सबसे पहले आपने इसकी important date याद रखनी है. Am I audible properly? 13th August 1990. First जो office memorandum क्या होता है? Kind of एक जिसे हम कहते हैं government जो है वो issue करती है. कोई भी document जब government issue करती है तो उसको कहा जाता है office memorandum. तो ऐसे ही एक ऑफिस मेमोरेंडम जो था वो इशू किया गया गवर्नमेंट की तरफ से अगस्त 13, 1990. वन ऑफिस मेमोरेंडम वाज पास बाय द गवर्नमेंट. अब जब भी कोई भी पॉलिसी या कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी बिल या कोई भी नया लॉ पास होता है, ठीक है, उसकी डिस्कशन पहले होती है लेजिस्लेचर में. इसका मतलब है जब ये मेमोरेंडम पास हुआ, ये सबकी परमिशन के साथ पास हुआ होगा, जैसे लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबने इसके ऊपर अपनी अप्रूवल दी होगी, तो ही ये अगस्त 13, 1990 को लोगों के सामने इसको डिस्क्लोज किया गया. ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई बिल पास होता है, कोई नया लॉ बनता है, कोई भी नया ऑफिस मेमोरेंडम जो है उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिलर मिनिस्टर सबको होती है, यानी कि उनकी सबकी कंसेंट के साथ ही इसको पास किया गया होगा. ठीक है? और जब इसको पास करना होता है तो इतने सारे MPs हैं, इतने सारे मिनिस्टर्स हैं, कौन इसको पास करेंगे? हर एक डिपार्टमेंट को अथॉरिटीज दी होती है. ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट डिफरेंट मेमोरेंडम. तो ये जो टॉपिक था, रिजर्वेशन का टॉपिक था, ये डिपार्टमेंट, हमारी कंट्री में एक डिपार्टमेंट है जिसको कहा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग पब्लिक ग्रीवांसेस. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग पब्लिक ग्रीवांसेस, आई एम रिपीटिंग अगेन, किस डिपार्टमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, पब्लिक ग्रीवांसेस पेंशन. यानी कि ऐसा डिपार्टमेंट जो सारे एम्प्लॉयज को पेंशन देता है, या फिर जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, या जो रिजर्वेशन से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये डिपार्टमेंट जो है उनको इम्प्लीमेंट करता है. अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन. ठीक है? तो इस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ने इस ऑफिस मेमोरेंडम को इम्प्लीमेंट किया. ठीक है? अब जैसे ही न्यूज़पेपर में ये ऑर्डर, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, डिस्क्लोज होगी, सभी लोगों ने इसको पढ़ा, तो क्या इंफॉर्मेशन थी? अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन क्या थी इसमें. इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 27% सीट्स इन द गवर्नमेंट जॉब्स विल बी रिजर्व फॉर SEBC. यानी कि SEBC, SC, ST के तो ऑलरेडी था, ये एक थर्ड कैटेगरी, यानी कि थर्ड कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई. ऑलरेडी SC और ST था, ठीक है, एक थर्ड कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई. इसकी फुल फॉर्म क्या है? सोशली
इकोनॉमिकली बैकवर्ड, ठीक है, यहाँ पे आपको एससीबीसी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सोशली इकोनॉमिकली एंड बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एसईबीसी। तो जब गवर्नमेंट ने 27% एससीबीसी के लिए रिजर्वेशन दी सिविल सर्वेंट्स एग्जाम्स के लिए, यानी कि ऑलरेडी एससीएसटी के लिए थी, एक और कैटेगरी बैकवर्ड क्लासेस में से इंट्रोड्यूस की सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो ऐसे में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को हुई जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला, और उन लोगों ने प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट की, एंड सिटी में या हर तरफ जिन जिन लोगों ने न्यूज को पढ़ा दैन दे क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, रैलीज हुई, प्रोटेस्ट हुए, ठीक है, और अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है, ठीक है, उसको काफी हद तक जो है, यानी कि इसमें लेजिस्लेचर भी इन्वॉल्व थी, एग्जीक्यूटिव भी इन्वॉल्व थी, जुडिशरी जो है उसको फिर इंटरफेयर करना पड़ा। लेकिन अब इससे पहले का हम पढ़ेंगे कि क्या जब कोई पॉलिसी बनती है, इमिडिएटली पॉलिसी बन जाती है, और उस पॉलिसी को बनाने के लिए, उस लॉ को बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली सोचती है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कोई भी लॉ इमिडिएटली पास कर देती, गवर्नमेंट को भी कोई भी लॉ पास करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अब हम थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाएंगे कि जब ये पॉलिसी उन्होंने इम्प्लीमेंट की उससे पहले का प्रोसीजर, पहले का प्रोसीजर क्या था, ठीक है। इससे पहले का प्रोसीजर जानने के लिए सबसे पहले आपको ईयर याद होना चाहिए 1979, ठीक है। अब ये देखो पॉलिसी पास हुई 1990 में, लेकिन इसकी बैकग्राउंड या कि कनेक्शन यानी कि कनेक्टेड कहाँ से है, कौन से ईयर से, 1979 में हमारी कंट्री में अलग अलग कास्ट और कम्युनिटीज जो हैं उनकी प्रॉपर, जिसे हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन लेने के लिए, गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया। इस कमीशन का नाम क्या था, सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। कब बना था, 1979 में गवर्नमेंट ने इस कमीशन को बनाया। अल्टीमेटली उनका मोटिव क्या था, बैकवर्ड क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना कि वेदर दे आर डेवलपिंग इन द कंट्री और नॉट, देयर पोजीशन और देयर इकोनॉमिक कंडीशन। और इस कमीशन के जो हेड थे उनका नाम क्या था, मिस्टर बी पी मंडल, मिस्टर बी पी मंडल। इसीलिए इस कमीशन का नाम क्या पड़ा, मंडल कमीशन, ठीक है, हेड के नाम के ऊपर ही इसका नाम क्या पड़ा, मंडल कमीशन। 1979 में ये मंडल कमीशन बना, कमीशन बना तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट, यानी कि कमीशन अब रिसर्च करता है सारा कंट्री के बारे में, ठीक है, जो जो भी इसको काम दिया गया, वन ईयर लगा इनको, और 1980 में इन्होंने क्या किया, दे सबमिट इट्स रिपोर्ट, कौन से ईयर में, 1980 इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने ये क्लॉज रखा कि हमारी कंट्री में इनकी कंडीशन सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस, सजेशन रिपोर्ट में उन्होंने कुछ सजेशंस भी दिए। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, रिपोर्ट एक पेज की रिपोर्ट नहीं होती, काइंड ऑफ पूरा प्रोजेक्ट होता है जिसमें उन्होंने सबसे पहले देखा कितने परसेंट हैं, नंबर टू उनका सोसाइटी में उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, गवर्नमेंट उनको कैसे जो है रिलैक्सेशन दे सकती है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक अप्रूवल, एक रिकमेंडेशन जो है सजेस्ट किया दैट सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर दीज क्लासेस, कितने परसेंट सीट्स, 27% सीट्स, और एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की एससी एसटी के अलावा, दैट वाज कॉल्ड एसईबीसी, ठीक है। ये इन्होंने सिर्फ एक सजेशन दिया था, सजेशन का मतलब होता है अभी भी, यानी कि 1980 में उन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसा होना चाहिए, बाकी गवर्नमेंट मानती है या नहीं मानती वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पीरियड में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनके सजेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है, और मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जो फाइल थी, वो एज सच रह गई, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब ये गवर्नमेंट आए दिन कितने ही कमीशन बनाती है, कितने ही रिसर्च होती है, कितने ही सर्वेज होते हैं, कितने ही सजेशन आते हैं, गवर्नमेंट हर सजेशन को नहीं मानती। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ये देखती है कि उन इम्प्लीमेंट करने का उसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, तो उस टाइम पीरियड में शायद उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा।
ठीक है। और फिर ऐसे ऐसे टाइम बीतता गया, 1980, फिर आए लोकसभा इलेक्शंस। नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस कौन से ईयर के? 1989, लोकसभा इलेक्शंस 1989। आप ये देखो 1980 में उन्होंने रिपोर्ट दी, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया, देन लोकसभा इलेक्शन 1989 में, लोकसभा इलेक्शंस में, इन इलेक्शंस में जैसे आपको पता ही है कि हर इलेक्शन में क्या होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा, अपने मैनिफेस्टोस, अपनी जो भी उनकी पॉलिसीज होती हैं, प्रोग्राम्स होती हैं, वो सारा जो है वो लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो आप ये देखो कि इस कमीशन के सजेशंस को एक पार्टी, नई पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो इससे पहले पॉपुलर नहीं थी, क्या नाम था उस पार्टी का? जनता दल, जनता दल। इनके लीडर कौन थे? मिस्टर वीपी सिंह, मिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह वाज द लीडर ऑफ दिस पार्टी, जनता दल, लोकसभा इलेक्शंस 1989। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रॉमिस किया अपने मैनिफेस्टो में इस सजेशन को, यानी कि इस पर्टिकुलर सजेशन को उन्होंने अपने मैनिफेस्टो का पार्ट बनाया कि अगर लोग इनकी पार्टी को वोट करेंगे तो दे विल इम्प्लीमेंट द रिपोर्ट्स ऑफ मंडल कमीशन 27% फॉर SCBC। ये इनकी पार्टी का मेन एजेंडा था। अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है, 1989 लोकसभा इलेक्शंस, जनता दल न्यू पार्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड हिज लीडर, हिज लीडर मिस्टर वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ही प्रॉमिस्ड that he if his party will be in power, then they will provide 27% and they will implement all the recommendations of Mandal Commission. तो ऐसे में आप मानोगे कि 1989 में लोग, this party जनता दल that became the majority party and Mr. V.P. Singh he became the prime minister. Obviously इनकी party को सबसे ज्यादा votes मिले and he became the prime minister. वो prime minister बने और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था अपने मैनिफेस्टो में ही इम्प्लीमेंटेड, उन्होंने जो भी प्रॉमिस किया उसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। अब ये देखो डेट कौन सी है, 1989 में इलेक्शन जीते और कौन सी डेट को, अगस्त 13, 1990 को ही इम्प्लीमेंटेड अ पॉलिसी थ्रू मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम, जो आपकी बुक में मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, ठीक है। अब जब 13 अगस्त 1990 को इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो उसके बाद कंट्री में क्या हुआ, सब तरफ जो है वो प्रॉब्लम्स, यानी कि ऐसे लोग जिनको इसका एडवांटेज नहीं मिल रहा था, दे क्रिएटेड द प्रॉब्लम्स, ठीक है। और जब प्रॉब्लम्स आती हैं कंट्री में तो उसमें क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, फिर केस भी करते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोगों ने इस पॉलिसी के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट, और कई लोगों ने हाई कोर्ट में केसेस किए, कईयों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में किए। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे सभी केसेस जो इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड थे, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या, किया सभी केसेस को बंच कर दिया। बंच का मतलब क्या होता है, एक कंबाइन केस कर दिया, और जिसमें मेन लीड कौन थी, इंदिरा गांधी, जो इनको जो है इनकी तरफ से, यानी कि जो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, ठीक है, उनको जो है वो फेवर कर रही थी एक तरफ, और दूसरी तरफ यूनियन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की तरफ। तो ये केस जो है कंबाइन कर दिया, इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब इस केस को रीओपन किया गया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट, हाई पहले इसको हाई कोर्ट में हेयर किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील हुई, उसके बाद इसको वहां पे हेयर किया गया जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रॉपरली थॉरली इसको रिव्यू किया, और उसके बाद इन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या डिसाइड किया कि दिस पॉलिसी इज वैलिड। वैलिड का मतलब ठीक है, दिस इज वैलिड, लेकिन गवर्नमेंट इसको फिर से रिव्यू करे, चेंजेस करे। उसके बाद इसके ऊपर स्टे ऑर्डर लग गया। अब ध्यान से समझना स्टे ऑर्डर क्या होता है। स्टे ऑर्डर का मतलब होता है जब सुप्रीम कोर्ट किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को रोक देता है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को स्टे ऑर्डर देता है, इसका मतलब जब तक सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट जो है डिसीजन नहीं होगा, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, कोई भी इससे बेनिफिट नहीं लेगा, ठीक है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर से इसको दोबारा से रिव्यू करना पड़ा, और इसको प्रॉपरली थॉरली जो है वो चेक किया गया,
और उसके बाद ये कहा गया कि SEBC में से जो रिच पीपल हैं, जो वेल टू डू हैं, वेल टू डू का मतलब होता है जो बहुत रिच हैं, उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए, दैट वेल टू डू और रिच पीपल फ्रॉम दिस कास्ट विल बी एक्सक्लूडेड, दे विल नॉट बी गिवन बेनिफिट, दिस बेनिफिट विल बी गिवन ओनली टू दोज हु आर एक्सट्रीम पुअर. एक्सट्रीम पुअर मतलब सोशली इकोनॉमिकली रियली हैं, ठीक है, क्लेम ना करें, मतलब रियली हैं, ऐसा ना हो कि जो रिच पीपल हैं वो इसका एडवांटेज लें. और इस तरह से फिर से इस पॉलिसी को रिव्यू किया गया और एक नया ऑफिस मेमोरेंडम पास किया गया. कौन सी डेट को, आपकी बुक में सेकेंड जो नीचे ऑफिस मेमोरेंडम है उसकी डेट चेंज है. डेट चेंज का मतलब इतना टाइम लगा गवर्नमेंट को फिर से रिव्यू करने का. कौन सी डेट, 8 September 1993. फिर 8 September 1993 को गवर्नमेंट ने नया ऑफिस मेमोरेंडम जो है उसको पास किया. और उसके बाद क्या डिसाइड किया गया, क्या जुडिशियल रिव्यू पॉलिसी क्या थी, दैट ऑल द पीपल हु आर वेल टू डू रिच पीपल फ्रॉम दिस SEBC दे विल बी एक्सक्लूडेड एंड द बेनिफिट विल बी गिवन ओनली टू दोज हु आर रियली पुअर फ्रॉम दिस क्लास. और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि काफी हद तक डिस्प्यूट्स जो हैं वो सॉल्व हुए. तो ये पूरा जो केस है, ठीक है, ये केस जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जैसे आपका है मंडल कमीशन या फिर इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि ये जो केस था, इस केस से रिलेटेड बहुत से लोग जो थे देवर हैप्पी एंड सम पीपल देवर नॉट. वाई, बिकॉज समटाइम्स सम पीपल थिंक that whatever the government is making policies, so these people should change. ठीक है, लोगों को लगता है कि वो change कर सकते हैं. कुछ लोगों को करता है, लगता है कि वो protest and rallies करके government से अपनी demands मनवा सकते हैं. ठीक है, तो इस particular case के कारण बहुत से लोगों को suffer भी करना पड़ा. Many people and they started protest and rallies. So ultimately अब ये देखो कि किसी country में जब government decision जो है वो एक person के हाथ में नहीं होता, different persons are involved, legislature is there, executive is there, judiciary is there, तो sometimes जो है वो case या फिर जो law होता है कहाँ कब से बनना शुरू होता है, कब implement होता है, ultimately उसका benefit कब जाकर मिलता है. तो आप इस, ये जो पूरी story है ये पूरा time period cover करती है 1979 से लेकर 1993, 79 to 89, 89 to 93, कितना लंबा time period. ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1979 से शुरुआत हुई. 1979 में गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन बनाया. मोटिव क्या था कि कंट्री में जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना. ठीक है, इस कमीशन के चेयरमैन किनको बनाया, हेड किनको बनाया, मिस्टर B.P. मंडल. इसलिए इस कमीशन का नाम क्या पड़ा, मंडल कमीशन. कमीशन का वैसे नाम क्या था, सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन. और इसके बाद इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कौन से ईयर में दी, 1980 रिपोर्ट सबमिट की. लेकिन उस टाइम पर में कांग्रेस पार्टी थी तो उन्होंने इनकी रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट नहीं किया. मे बी शायद जो बाद में हुआ उनका उनको पहले से ही अंदाजा था. ठीक है, तो उनको लगता था कि सोसाइटी में जो है वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो दैट्स वाई उन्होंने रिकमेंडेशंस को उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. जरूरी नहीं होता कि अगर उस कमेटी ने कुछ भी रिकमेंड किया है तो गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करे. ठीक है, क्योंकि डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं, तो मे बी उस टाइम पीरियड में ऐसा नहीं हुआ. उसके बाद 1989 फिर टाइम पीरियड आया. 1989 लोकसभा के इलेक्शंस होने थे, तो उन लोकसभा के इलेक्शंस में एक नई पार्टी जनता दल, इन्होंने क्या किया, इन रिकमेंडेशंस, ये जो रिपोर्ट्स थी, इन रिपोर्ट्स की इनको नॉलेज थी, तो इन्होंने अपने एजेंडा का पार्ट बनाया, मैनिफेस्टो का पार्ट बनाया, और लोगों को इस चीज़ के लिए कन्विंस किया कि अगर आप हमारी गवर्नमेंट होगी तो हम जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं उन रिकमेंडेशंस को फुलफिल करेंगे. तो ऑटोमेटिकली जिनको इसका बेनिफिट हुआ, जिन्होंने इस मैनिफेस्टो को पढ़ा, उनको लगा कि शायद सच में अगर ऐसा हो जाएगा तो उनको जो है वो जनता दल की तरफ से बेनिफिट होगा. तो दे सपोर्टेड दिस पार्टी एंड दिस पार्टी वन विद द मैक्सिमम सीट्स. एंड देन मिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, उसके बाद देन ही फुलफिल द प्रोमिस बाय इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी. उन्होंने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए भी सेम जैसे मैंने बताया कि बिल के जो बिल को लॉ बनने के लिए अलग अलग प्रोसीजर से निकलना पड़ता है. इसके लिए मिस्टर बीपी सिंह को पहले लेजिस्लेचर से, फिर राज्यसभा यानी कि लोकसभा राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट के साइन हुए. उसके बाद
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, यानी कि ईच एंड एवरी पर्सन वॉज अवेयर अबाउट दिस. इसमें जुडिशरी नहीं थी, क्योंकि लॉ मेकिंग में कौन कौन होता है? लेजिस्लेचर. एंड इम्प्लीमेंटिंग में कौन होता है? एग्जीक्यूटिव. उसके बाद अभी तक सिर्फ दो ऑर्गन इन्वॉल्व थे, ठीक है. उसके बाद ये पॉलिसी फाइनली इम्प्लीमेंट हुई August 30, 1990 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, ग्रीवांसेस एंड पेंशंस. बट व्हेन दिस पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड, डिबेट्स एंड डिस्कशन स्टार्टेड इन द कंट्री एंड मैनी पीपल दे अपील इन द डिफरेंट कोर्ट्स. तो कोर्ट ने क्या किया, फिर जितने भी केसेस इसके रिगार्डिंग थे उन्होंने सभी केसेस को इकट्ठा कर दिया, कंबाइन कर दिया एंड बंच टूगेदर ऑल द केसेस इन द फॉर्म ऑफ इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इंदिरा सानी मतलब जो लोग इसको अपोज कर रहे थे, यूनियन ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट. एक आपको देखो कि एक तरफ लोग और एक तरफ गवर्नमेंट. लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर रहे थे, ठीक है, बिकॉज एट दैट टाइम पीपल दे वर नॉट लाइकिंग दिस पॉलिसी, सो दैट्स व्हाई दे वांटेड टू चेंज दोज हु वर नॉट गेटिंग बेनिफिट, ठीक है. एंड आफ्टर दैट जब थर्ड, जब हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपील गई, देन सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस हुई. जुडिशियल रिव्यू जो है उसको यूज किया गया और पावर को यूज किया गया. उन्होंने इसको थॉरली रीड किया और उसके बाद गवर्नमेंट को इसको फिर से रिव्यू करने के लिए कहा. गवर्नमेंट ने इसको फिर से रिव्यू किया, तब तक स्टे ऑर्डर लग गया. यानी कि अगस्त 13 को अगर इम्प्लीमेंट हुई, उसके बाद इसको बंद कर दिया. बंद कर दिया मतलब किसी को बेनिफिट नहीं मिलेगा. उसके बाद फिर से गवर्नमेंट ने डिस्कशन की, नए सिरे से फिर से इसको पास किया. प्रेसिडेंट ने फिर से साइन किए, फिर से नया मेमोरेंडम इशू किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपनी अप्रूवल दी. और फाइनल अप्रूवल क्या थी, दैट वेल टू डू पीपल फ्रॉम दिस कास्ट विल नॉट गेट बेनिफिट, दे विल बी एक्सक्लूडेड. ओनली द रियल बेनिफिट विल बी गिवन टू दोस हु आर सोशली इकोनॉमिकली एंड दे डिजर्व, जो डिजर्व करते हैं एटलीस्ट. ऑन विच डेट, September 8, 1993. सो दैट वॉज ऑल द यू कैन से वर्किंग ऑफ, जिसमें हमने सब पढ़ा है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल. लेजिस्लेचर में हमने क्या पढ़ा, लोकसभा एंड राज्यसभा, देन प्रेजिडेंट, ठीक है. लोकसभा में से कौन, दोनों में से कौन सा हाउस पावरफुल है? लोकसभा इज द मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू राज्यसभा, बिकॉज लोकसभा इज द डायरेक्ट हाउस, राज्यसभा इज द इनडायरेक्ट हाउस. फिर हमने पढ़ी प्रेजिडेंट की पावर्स एंड फंक्शंस. प्रेजिडेंट की पावर्स एंड फंक्शन जो हैं, सेम आपने हेडिंग्स याद रखने, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, इलेक्टोरल, फाइनेंशियल. तो ये हेडिंग सेम आपके पार्लियामेंट में भी आएंगे, ठीक है. तो हेडिंग सेम है लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लिटिल बिट डिफरेंट हो जाए. हमारी कंट्री में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी. लेकिन कई कंट्रीज में प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे प्रेसिडेंट पावरफुल होता है. प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड, जैसे यूएसए प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, दैट्स व्हाई ही इज मोर पावरफुल एंड मोर अवेयर. यानी कि लोग अगर कंपेयर करें तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और यूएस के प्रेसिडेंट की पावर्स जो है वो सेम ही है, ठीक है. देन इसके बाद हमने डिस्कस किया सेकेंड पार्ट, एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव में हमने डिस्कस किया पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स. फिर हमने उनका रैंक पढ़ा. मिनिस्टर्स तीन तरह के होते हैं. मिनिस्टर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. नंबर वन, कैबिनेट मिनिस्टर. कैबिनेट मिनिस्टर वो मिनिस्टर होते हैं जिनका रैंक बहुत हाई होता है. वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स आर गिवन टू देम. दे आर इंडिपेंडेंट इंचार्ज, इंडिपेंडेंट इंचार्ज होते हैं. एंड सबसे ज़्यादा फेथ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर को उन्हीं के ऊपर होता है. और जब भी कंट्री में कोई भी एमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है तो इसमें कैबिनेट मिनिस्टर को सबसे बुलाया जाता है. इनका नंबर कितना हो सकता है, 25 to 30. फॉर एग्जाम्पल डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर्स, ठीक है. देन इसके बाद फिर आते हैं डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? IAS ऑफिसर्स, जो चेंज नहीं होते. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मीन्स MPs. MPs कैन बी चेंज बिकॉज दे आर इलेक्टेड थ्रू द इलेक्शंस. एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव दे आर अपॉइंटेड through the interview and passing the test. दोनों में से देखा जाए who are more intelligent, IAS officers or permanent executives are more intelligent. Term देखा जाए तो उनकी 5 years होती है, उनकी होती है till their retirement. ठीक है, दोनों में से कौन answerable है? Political executives are answerable but permanent executives are not. हम किन को ज़्यादा जानते हैं? हम ministers को ज़्यादा जानते हैं, हम IAS officers को नहीं जानते. लेकिन ultimately brain किन का होता है? IAS officers का. जो भी मेजर पॉलिसीज बनती हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं IAS ऑफिसर्स का ब्रेन जो है वो होता है, वो मेन पॉलिसीज बनाते हैं. मिनिस्टर्स सिर्फ उसके ऊपर प्रॉपरली उनको जो है वो डिस्कस करते हैं उनके साथ,
और मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने डिपार्टमेंट को प्रॉपर जो है वो वर्क करने के लिए। इसके बाद फिर हमने किया जुडिशरी। जुडिशरी में हमने जो है वो दो तरह के टॉपिक्स किए थे, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हेडिंग्स कहीं ना कहीं सेम ही हैं, ओरिजिनल अपैलेट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। तो ये काफी हद तक हेडिंग सेम ही है, लेकिन अंदर जो मैटर है वो आपने इनके रैंक के अकॉर्डिंग चेंज कर देना। देन वी हैव डिस्कस्ड व्हाई जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। जुडिशरी इंडिपेंडेंट क्यों है हमारी कंट्री में और क्यों होनी चाहिए, दोनों तरफ से आपको जो है क्यों है और क्यों होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए उसमें आपने बता देना है कि यस इट शुड बी इंडिपेंडेंट सो दैट जजेस और जुडिशरी शुड गिव देयर डिसीजन इंडिपेंडेंट नॉट अंडर एनी प्रेशर। नंबर टू, इफ दे विल बी यू कैन से एवरी टाइम दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर देन डिले इन द डिसीजन मेकिंग विल बी ऑलरेडी देयर इज अ डिले देन मोर डिले कैन बी देयर, ठीक है, एंड जजेस विल नॉट बी, और जो उनकी जुडिशरी फिर सेपरेट डेमोक्रेसी जो है उसका फायदा नहीं होगा, डेमोक्रेसी लॉस्ट इट्स कॉन्फिडेंस। अगर किसी कंट्री में जजेस को बार बार प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़े किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए, तो उसमें फिर क्या होता है, जजेस की जो उनका रैंक होता है सोसाइटी में वो फिर लो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारी कंट्री में लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जस्टिस है उस पर विश्वास नहीं करेंगे और ये डेमोक्रेसी के लिए एक मेजर चैलेंज होगा, ठीक है। और इसके अलावा हमने किया लोक अदालत एंड PIL। लोक अदालतें क्या होती हैं, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिन केसेस को जल्दी से निपटारा हो सकता है, उनको कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उसको नहीं लेकर जाते, उसका डायरेक्ट आउट ऑफ कोर्ट उनकी सेटलमेंट हो जाती है। ऐसे केसेस में लाइक फॉर एग्जांपल 2 or 3 यू कैन राइट एग्जांपल्स लाइक टेलीफोन एक्सचेंज बिल, किसी पर्सन का बिल बहुत ज़्यादा आया, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है या इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड, या बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं, तो इन टॉपिक्स को कोर्ट में नहीं बल्कि लोक अदालतों में ही जो है वो फिनिश करवा दिया जाता है ताकि स्पीडी जो है वो जस्टिस दिया जाए और टाइम सेव हो और मनी सेव की जाए पुअर पीपल के लिए, ठीक है। देन PIL क्या होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई पर्सन खुद केस नहीं लड़ सकता ना उसके पास मनी है तो उनके बिहाफ पे कोई और NGOs जो है वो केस फाइल करती हैं और पर्सन जो है वो जस्ट एक एप्लीकेशन लिखता है, पटिशन लिखता है और उसके बाद NGOs जो हैं उसके भी यहाँ पे केस फाइल करवाती हैं, NGOs उनकी हेल्प करती हैं। और हमारी कंट्री में बहुत सी NGOs नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों के साथ कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उनकी हेल्प करती हैं, सोशल सर्विस, ठीक है। उसके बाद फिर हमने लास्ट टॉपिक किया दिस इंदिरा सानी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। और एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क। Yes. No.